आरबीआई पेटीएम बैन, पेटीएम यूजर्स पर होगा सीधा असर। आरबीआई ने तत्काल प्रभाव से पेटीएम पेमेंट्स बैंक के नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगा दी है। आरबीआई ने 31 जनवरी 2024 को यह आदेश जारी किया है। साथ ही आरबीआई ने कंपनी को यह आदेश भी दिया है कि 29 फरवरी के बाद मौजूदा ग्राहकों के भी अकाउंट में अमाउंट ऐड करने पर रोक लगा दी जाए। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि एक सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट और उसके बाद कंपाइलेशन वैलिडेशन रिपोर्ट में सामने आया है कि कंपनी ने लगातार अनुपालन मानकों की अवहेलना की है। साथ ही पेटीएम बैंक से संबंधित कई और कमियां सामने आई हैं, जिसकी वजह भविष्य में इनके खिलाफ और जरूरी एक्शन लिए जाएंगे। आरबीआई ने यह भी कहा है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जो मौजूदा ग्राहक हैं, वह अपने अभी के अमाउंट का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहें तो वह पैसा सेविंग अकाउंट्स, करंट अकाउंट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, फास्टैग, नेशनल या कॉमन मोबिलिटी कार्ड में कर सकते हैं। इस पर तारीख की कोई पाबंदी नहीं है। आपके खाते में अभी जितना पैसा है उसे आप आगे अपनी इच्छा अनुसार किसी भी तारीख तक इस्तेमाल कर सकते हैं। आरबीआई ने कहा है कि 29 फरवरी के बाद पेटीएम ग्राहक अकाउंट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, वॉलेट, फास्टैग व नेशनल मोबिलिटी कार्ड्स में पैसा नहीं डाल पाएंगे। हालांकि ब्याज, कैशबैक और रिफंड उनके अकाउंट में आ सकते हैं। आरबीआई ने कहा है कि 29 फरवरी के बाद कोई भी बैंकिंग सर्विस पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा नहीं दी जाएगी। केंद्रीय बैंक ने 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड और पेटीएम पेमेंट्स सर्विस लिमिटेड की नोडल सेवाएं भी जल्द से जल्द बंद करने को कहा है। इस तरह की अपडेट खबरों के लिए बने रहें MG मीडिया न्यूज़ के साथ।